जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। मार्केट का अहवाल हमने आपको बता दिया है, अब जिस इंसान से हमने बात करनी है वो राइट शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी अकरम गुज्जर साहब, जो के एडवाइजर भी हैं सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के और प्राइस कंट्रोल कमेटी पंजाब के चेयरपर्सन भी हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, हमने मार्केट का अहवाल देखा, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो कि हकीकत कुछ और थी, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल हमें लिस्टें नज़र आती हैं वो कुछ और। सबसे पहले तो जो कंट्रोल प्राइस को करने के लिए लिस्टें बनाई जाती हैं उनको किन बुनियादों पर बनाया जाता है, किन नकात को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है? देखिए, इसका मैकेनिज्म जो है ना, एग्रीकल्चर की जो आइटमें हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स, वो तो मंडियों में उनका ऑक्शन का एक रेट होता है, उसके पांच मुख्तलिफ ऑक्शंस के रेट इकट्ठे किए जाते हैं, उन पांचों को जब यूनाइट कर लेते हैं तो उसके बाद उस पर ओवरहेड्स और दुकानदार का मार्जिन जो 10 से 12% डाल के उनके निर्ख को मुकर्रर किया जाता है। और इसी तरह जो आपकी दालें या वो हमारी कुछ 18 essential आइटम, पहले आपने क्योंकि सब्जी और फल की बात की है तो इसी पर हम बात जो है वो आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे कि आपने फ्रूट की बात की और मंडियों की भी बात कर ली कि ऑक्शन हम लोग 4 से 5 उसका मॉनिटर करने के बाद उसके रेट का तयन कर लेते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर माल्टा ही ले लें जो कि आजकल सर्दियों की आइटम भी है, मार्केट में वो किलो के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन जब हम प्राइस कंट्रोल की लिस्ट देख रहे हैं उसके अंदर वो दर्जन के हिसाब से आपने रेट का तायुन कर लिया, लेकिन लोग उसको खरीदने पर मजबूर हैं दर्जन किलो के हिसाब से। अगर किलो के हिसाब से देखें तो वो 300 रुपये किलो तक जा पहुंचा है, जबकि अगर आप रेट लिस्ट में देखें तो वो कुछ चंद 100 रुपये है। ये क्या मौजरा है? अच्छा, बहरहाल ये तो मेरे लिए इंकशाफ है कि माल्टा लाहौर की मार्केट में किलो के हिसाब से बिक रहा है। हमारे यहाँ पंजाब में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे केला भी किलो के हिसाब से बिकता है, लेकिन जो लाहौर की मार्केट है वहाँ पे केला, किन्नू, ये तमाम चीज़ें डजन के हिसाब से ही बिकती हैं। इंसानियत क्यों नहीं है? हम प्रोग्राम में कर चुके, अभी आपके इंटरव्यू से पहले आवाम को बता चुके, दिखा भी चुके, तो यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है, यकसानियत क्यों नहीं है? नहीं, ये होनी चाहिए। अगर पंजाब के कुछ अज़ला में ऐसा हो रहा है तो उस पर हम काम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। शहर लाहौर में हो रहा है? नहीं, अगर ये हो रहा है तो मेरे लिए यकीनी बात है, ये बिल्कुल इंकशाफ है, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। अगर हो रहा है तो हम इस यकसानियत को यकीनी बनाएंगे, और लाहौर में कोई मैकेनिज्म नहीं है माल्टिंग को किलो के हिसाब से बेचने का, कोई कानून नहीं है, वो पर डजन है, और उसमें दर्जा अव्वल और दर्जा दोम और दर्जा सोम जो है, हम उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने पर काम कर रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, देखिए आप मेरे बड़े भी हैं, काबिल एहतराम भी है, तजुर्बाकार भी हैं, हर लिहाज में आप मेरे से सीनियर हैं, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात के आपके नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं, इतना अमला है, पूरा DC ऑफिस है, आप उनको चेयर कर रहे हैं, कोई बताने वाला ही नहीं, सिर्फ हम ही बताएंगे? नहीं, हम खुद भी जाते हैं, मैं मंडियों में भी जाता हूं, बाज़ारों में भी जाता हूं। मेरा ख्याल है कि मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा कि मैं ऑफिस में नहीं मिलता हूं, मैं किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में होता हूं, किसी ना किसी शहर की किसी ना किसी सड़क पर होता हूं, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस कोशिश में मसरूफ़ हूँ। देखिए, मेरा पहला जो टास्क था ना, वो कीमतों को रैशनल बुनियादों पर आगे बढ़ाना था, यानी मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो 57 रुपये किलो चीनी लेके 53 रुपये पे बेचे। मैंने एक तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और प्राइस कंट्रोल कमेटी ने ये रिक्वेस्ट की है कि जो कीमतें बाज़ार में अवेलेबल हैं, मैं आती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि हम होलसेल मार्केट में हम ज़्यादा जो कीमतें हैं वो लेके हम दुकानदार को मजबूर करें कि वो कम रेट पे बेचे, उस पर भी मैं आती हूँ, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो फ्रूट सब्जी और फलों से रिलेटेड हैं या दूसरी चीज़ों से रिलेटेड हैं। अच्छा, अब कंट्रोल लिस्ट की बात करते हैं, बिलखसूस लिस्ट की बात कर लेते हैं, लिस्ट का रेट कितना है जो हमने दुकानदार को बेचनी है? देखें, अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको दे रहा हूँ कि आज अगर आप टमाटर को ले लें, टमाटर दर्जा अव्वल, दर्जा दोम और दर्जा सोम के हम 5 ऑक्शंस लेंगे। अच्छा नहीं, सबसे पहले तो मैं रेट लिस्ट की बात कर रही हूँ कि वो दुकान इस पे ही आ रहा हूँ ना, जब कितने की हमने दुकानदार को देनी है? रेट लिस्ट की यानी कीमत कितनी लेनी है? नहीं, रेट लिस्ट तो हम उनको मुफ्त प्रोवाइड करते हैं। ये मुफ्त नहीं प्रोवाइड, मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी है, ये मुफ्त सुन ले, मुफ्त नहीं दी जा रही है, 10 से 20 रुपए की बेची जा रही है, लेकिन चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हम मुफ्त देते हैं, तो सर ये क्या खुला तजाद नहीं? बिल्कुल, अगर दुकानदार पैसे दे रहा है उसके
तो ये तो मैं समझता हूँ कि दुकानदार अपने साथ भी और हमारे साथ भी ज्यादती कर रहा है। आपका अमला बेच रहा है तो दुकानदार खरीद रहा है? नहीं बेच रहा, मार्केट कमेटियाँ जो हैं वो इसका काम जो है उनका सिर्फ कीमतों का तय्यन करना है। अगर वो उनको फैसिलिटेशन के लिए मांगते हैं और वो आके मंडी से वो लिस्टें नहीं लेते फिर तो कयोस क्रिएट हो जाएगा। आप प्रोग्राम में कह चुके ये मुफ्त हैं और पूरा लाहौर 10 से 20 रुपए की खरीद रहा है जी। ये आप सुन लीजिए, लिस्टें जो है वो मुफ्त है कि वो उनको प्राइस लिस्ट को मुफ्त फराहम करेगा। ये भी एक बात हो गई कि माल्टा जो है वो दर्जन में बेचना है, किलो में नहीं बेचना, चेयरपर्सन साहब ने कह दिया। रेट लिस्ट है वो मुफ्त है, पैसों की नहीं है, ये चेयरपर्सन साहब ने कह दिया। अच्छा सर, अब आवेजा करने पे आ जाते हैं। हम अभी दिखा चुके प्रोग्राम में आपके इंटरव्यू लेने से पहले, कहीं पे भी रेट लिस्ट आवेजा करने का कल्चर है ही नहीं। और खवातीन बेचारियों से हमने बात की है, पिसा हुआ तबका उनसे बात की है, जब वो दुकानदार को कहती है कि रेट लिस्ट दिखाओ हम उस रेट लिस्ट पे पैसे आपको देंगे, तो दुकानदार ये कहता है कि आप हमसे ना खरीदें, यहाँ से चली जाएं, रेट लिस्ट नहीं मिलेगी आपको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे तो मैं ही तस्लीम करता हूँ, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का डायलेमा है। हम इस पर कानून साजी कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं कि हर दुकानदार को ये 25 अशिया की लिस्ट डिजिटलाइज अवेजा करनी होगी, और हम ये रेट लिस्ट का रोज़ाना पहुँचाने का फार्मूला भी ख़त्म कर देंगे। ये कंप्यूटर ऑपरेटिव होंगी और वहाँ सुबह रेट मुख्तस होंगे और तमाम के तमाम डिजिटल रेट लिस्टों में। अब तक जो चोर बाजारी चलती आई है इतने अरसे से, उसका कौन जिम्मेदार हो? के जिम्मेदार गुज़श्ता 38 साल के हुक्मरान हैं। मेरे पास तो ये 9 फरवरी को मेरा नोटिफिकेशन हुआ है, मेरे से तो आप उसकी जिम्मेदारी का हिसाब नहीं ले सकती। हाँ, अगर मैं इस काम को करता रहूँगा और इसमें तब्दीलियाँ ना ला सका तो फिर आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा, मैं शिकस्त तस्लीम करूँगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम जो कम है, मुकाबला जो है वो सख्त है। चौधरी साहब, अब हम लोगों ने होलसेल रेट की बात करनी है। किराना स्टोर्स को बाउंड कर दिया गया है कि एक चीज़ जो होलसेल पे 120 की है वो आपने 122 की बेचनी है। अब किराना स्टोर वाले जो रिप्रेजेंटेशन जिनकी कर रहे हैं, उनसे हमने इंटरव्यू ले लिया, वो कहते हैं अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब हम क्वालिटी पे कंट्रोल, जो क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ऐसी दालें मिलेंगी जिसको पॉलिश भी नहीं होगी और जिसमें कंकर भी होंगे, ये जो नतीजा है वो निकलेगा, ये जो आपने अहकाम जारी किए। अच्छा, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, ये वो हर चीज़ मेरी दुरुस्त है ना, ये उन डीसी काउंटर्स का हाल है जिसकी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। हम ये अशराफिया जो है ना आपका, उसके मयार के ऊपर चीज़ें फराहम नहीं की जा सकती। एक जनरल स्टैंडर्ड के ऊपर ही अशिया को फराहम किया जा सकता है। हम पाकिस्तान की वो 1.5% एलीट क्लास जो 100 रुपए की दाल 250 रुपए भी खरीदने के लिए तैयार हो, कौन से लोगों की बात करें? ये ईमान की हमने नुमाइंदगी करनी है, हमने अमीरों की तो करनी ही नहीं। मैं बताने लगा हूँ कि हम उसी अशराफिया के स्टोरों पर ये चीज़ें देखते हैं। आम गरीब दुकानदार, गरीब आदमी जो पाकिस्तान की 90% क्लास को रिप्रेजेंट करता है ना, ये उन 209 स्टोरों पे नहीं जाता। ये वो 209 स्टोर हैं जो पाकिस्तान में सिंपल बन गए हैं अपनी क्लास को अबव करने के लिए। तो हमें, हम सबको इसके खिलाफ काम करना चाहिए। आप यूटिलिटी स्टोर को बहाल कर दीजिए, उनका भी काफी मसाइल हैं, वो हल करा दीजिए ताकि ये जिनकी बात आप कर रहे हैं वो वहां चले जाएं, डिपार्टमेंट स्टोर में ना जाएं। आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि यूटिलिटी स्टोर को 38 साल हुक्मरान रहने वाले अगले 38 साल के लिए मकरूज कर गए हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के वापडा को, पाकिस्तान की रेलवे को, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को, पाकिस्तान की स्टील मिल को, पाकिस्तान की मुशियत को बर्बाद किया है, उसी तरह वो उसको भी कर गए हैं। हम उनको रीवैम्प करने का काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, लेकिन मेरे से आप 38 दिन में हिसाब ना मांगे। हमें आज 2-4-5 साल तो दे निजाम को ठीक करने के लिए, जैसे 70 साल लगाए बर्बाद करने में। चलिए सर, हम आपको छोटा सा टास्क दे देते हैं, आप जो माल्टे हैं वो दर्जन के हिसाब से बिकवा दें और किलो के हिसाब से, क्योंकि अब तो सीजन भी जाने वाला है, सारा सीजन जो है लोगों ने किलो के हिसाब से खाए माल्टे, थोड़ा सा इतना ही कर दीजिए। मैं अगर तो वो वाकई किलो के हिसाब से बिक रहे हैं, ऑनेस्टली मेरे लिए तो ये अभी भी इंकशाफ है, ठीक है, और मैं इस इंकशाफ पे हैरान भी हो रहा हूँ, लेकिन हम उसे दर्जन पे बेचने का एहतमाम करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको रेट लिस्ट आवेजा करने, अभी तो डिजिटलाइज होने में काफ़ी वक्त लगेगा।
रेड लिस्टों के आवेदन करने पे काम करेंगे, लेकिन उनको डिजिटलाइज करने पे यकीनी तौर पे आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम लाहौर में इसको मॉडल सिटी के तौर पे इमीडिएटली अडॉप्ट कर लें ताकि काम आगे बढ़ाया जा सके। अब ये किराना एसोसिएशन ने जो शिकवा किया है कि हमें क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है, होलसेल मार्केट और जो किराना एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं उनमें जो कॉन्ट्राडिक्शन है प्राइस के हवाले से, कैसे कम पैसों में बेचे सर, क्वालिटी अवाम इसमें भी अवाम भुगतेगी, अवाम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके कंकर वाली दालें खाएगी। नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे। हम दुकानदार का मियार हो रहा है सर? नहीं होगा। दुकानदार को उसकी प्रोडक्ट की सही कीमत और उसे अपना कारोबार चलाने के लिए जो अखराजात जरूरी हैं, मैं तो पहले बात की कि हम रेट कैसे करेंगे जब 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 अब हमारी 80% दालें बाहर से आ रही हैं, तो कैसे कंट्रोल करेंगे कीमत को, कैसे करेंगे डॉलर के हिसाब से, डॉलर के प्राइस के हिसाब से कैसे कंट्रोल होगा? मुझे आप ये बताएं, 60 रुपए की चीज 55 रुपए में बिकवाना कोई महंगाई कम कर रहा है? नहीं। 60 रुपए की चीज को 60 रुपए में बिकवाना और उसके मेयार और अर्जा निरखों पर या उसकी फरावानी को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरी ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं 150 रुपए का किलो टमाटर लेके 125 रुपए में बेच दूं, मेरी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। इन तमाम बातों का मतलब यह है कि आवाम सब्र करे और डॉलर की कीमत नीचे आने का इंतजार करे। नहीं, आवाम इन चोरों डाकुओं और लुटेरों का एहतसाब करे जिन्होंने 38 साल इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हमें उसे दुरुस्त करने दें, इंशाल्लाह ताला उनकी कुव्वत खरीद को बढ़ाएंगे। उनको ठीक है, उनको एहतसाब के दायरे में लाने तक महंगी चीजें खा लें? नहीं, कुव्वत खरीद को बेहतर बनाने तक थोड़ा अपने आप को हम सब मिलके चले तो इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। ये महंगाई कम नहीं हुआ करती, कुव्वत खरीद को बढ़ाया जाता है और उसके लिए पॉलिसीज की जरूरत होती है और वो इंशाल्लाह बन रही है, साथ साथ बेहतरी आ रही है, ओवरनाइट तवक्को ना रखें। अब आखिरी सवाल, जो रेट लिस्टों का कीमत है वो ग्राउंड रियलिटी से मुख्तलिफ है, टमाटर की कीमत कुछ और है, आपकी रेट लिस्ट में कुछ और है, दीगर सब्जियों की कीमत कुछ और है, वो प्रोग्राम में हम दिखा चुके हैं पहले, ये कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ये दो तरह से हो सकता है, एक तो जो चीज़ 60 रुपए की आए दुकानदार का मुनाफा लगा के 66 रुपए या 70 रुपए जो भी आज के दौर में मुमकिन हो उसकी कीमतों का तय्यून किया जाए। और कौन करेगा? हम ही करेंगे, हम कर रहे हैं, करेंगे, अभी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप रमजान मेरे साथ कीजिएगा पूरे 20 वादा है। अब रमजान आपने मेरे साथ करना है, रोजाना 3 बजे से 5 बजे जो अफ्तारी का टाइम होगा ना, हम इंशाल्लाह आपके साथ, लास्ट रमजान भी किया था सड़कों पे किया था, इस मरतबा प्रोग्राम में आपको रमजान आपके साथ 30 दिन, और आपने मुझे दिखाना है कि ये रेट लिस्टों पे अशिया अवेलेबल है कि नहीं, इंशाल्लाह ताला हम यकीनी बनाएंगे। चलिए, रमजान की आपने बात की थोड़ा सा, क्योंकि रमजान की आमद आमद भी है, क्या आपके पास प्लान है जो जिस तरह से गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में रमजान बाजार लगा करते थे वो भी कंटिन्यू करेंगे? अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, अगर उससे बेहतर कोई तजवीज़ ना आई तो हम उसको कंटिन्यू करने के बारे में गौर करेंगे, लेकिन मेरी ज़ाती राय में उसका कंटिन्यू करना शायद बाकी लोगों के दरमियान एक डिस्क्रिमिनेशन कायम करना है। हमें हर गरीब अमीर आदमी उस दिन निकलता है, क्या होगा, रमजान बाजार भी नहीं होगा, यूटिलिटी स्टोर ऑलरेडी नहीं है, फिर होगा? हम ये जो लाहौर के 309 स्टोर हैं, इसी तरह पंजाब के बड़े स्टोर्स अवेलेबल हैं, हम इन सब के साथ बैठेंगे, ये डिपार्टमेंटल प्राइवेट डिपार्टमेंटल स्टोर हम इनके साथ सब्सिडीज जो है अशिया की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। तो यानी जो आपने कहा प्राइवेट डिपार्टमेंटल स्टोर्स जिस तरह से लाहौर में खुले हुए हैं, वहाँ पे आप दो सेक्शन बनाएंगे, एक तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अपने जो क्वालिटी वाले होते हैं महंगी चीजें, और एक सेक्शन अलग पंजाब गवर्नमेंट के हवाले? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन को तो खत्म करना हमारा काम है। कैसे हो? मैं वही बता रहा हूँ कि अगर हम आटे की सब्सिडी देंगे तो सबके लिए देंगे, अगर हम चीनी में सब्सिडी देंगे तो सबके लिए देंगे, और हम यकीनी बनाएंगे कि वो हर एक को अवेलेबल हो, और गरीब अमीर की डिस्क्रिमिनेशन को भी ख़त्म करेंगे। रमज़ान हम सब मुसलमानों के लिए एक होता है, अदरवाइज़ अगर हमारे लिए बजट ने, फंड्स ने, अवेलेबिलिटी ने मुश्किल पैदा की तो फिर हम उस तबका ज़िंदगी को जिसकी कुव्वत खरीद कम है ज़रूर एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह ताला, और उसमें बेहतरी करने के लिए और काम बेहतर करने के लिए ज़रूर काम करेंगे। अब ये जो वन वे कम्युनिकेशन है, ये टू वे कैसे हो सकती है? जैसे आपको अभी हमने बताया कि जो ऑरेंज है वो किलो के हिसाब से बिकते हैं, दर्जन के हिसाब से नहीं, अवाम आपको डायरेक्ट बता सके कैसे मुमकिन हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन आप कोई रابطہ बहाल करेंगे अवाम के साथ? हमारा सिटीजन पोर्टल जो है वो कायम है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे पोर्टल में जाएगा, वो उसके पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं, उसके लिए एक या तो ऐप इंट्रोड्यूस की जा सकती है, या अगर रमजान के लिए हम एक टेलीफोन हेल्पलाइन, इसमें नहीं कोई आपके आ सकता?
میرے آفس میں تو میرے دروازے کھلے ہیں, آپ کے لیے کھلے ہیں تو باقیوں کے لیے کیسے؟ دو مرتبہ گاڑی چیک ہوئی ہماری. وہ گاڑی میں نے نہیں چیک کی, وہ تو سیکیورٹی کے نام پہ. غریب کیسے آ جائے گا پھر اندر آپ سے ملنے؟ نہیں نہیں, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائیں گے, میں خود چلا جاؤں گا ان کے پاس. بہت شکریہ, بہت شکریہ, سو نائس آف یو, آپ نے تمام سوالات کا اچھے طریقے سے جواب دیا ہے. ناظرین, آپ کی ٹاپ اسٹوری آپ کو ریالٹی بھی بتائی ہے اور ریالٹی کے برعکس چیزیں کیسے ہو رہی ہیں اور ان کا سلیوشن ہم نے چیئرمین صاحب سے بھی جانا ہے آج کی ٹاپ اسٹوری سے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ, پاکستان پائندہ باد.